हमारी तैयारी पूरी है, हम टेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो हम अपना टाइम मैनेज कैसे करें, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में जो 60,244 पदों पर वैकेंसी आ गई है, जिसका एग्जाम प्रस्तावित 18 फरवरी को है ना, तो बहुत ही हलचल मची पड़ी है एग्जाम डेट को लेकर। अब बात आती है, चलो एग्जाम डेट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 18 फरवरी है, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया, हम मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, हम अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें? हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप हमको कुछ बताएंगे क्या? तो हाँ, मैं अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी थी वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था, और आपको भी किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है पेपर में, और किस सब्जेक्ट पर अधिक समय नहीं लगाना, क्योंकि समय तो हमारे पास है ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट आपके 4 होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, शॉर्टकट में लिख रही हूं है ना, मैथ, जीएस, इसी में आपकी यूपी जीके, वर्ल्ड वाली जो जीएस वगैरह होती है, इंडियन जीएस, सब कुछ इसी में आ जाता है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि जीएस का अलग से कुछ है क्या, जीएस का मतलब उसी में सब कुछ आ जाना। अब बात आती है कि हिंदी और जीएस, इन दोनों में से किसको पहले करें, या रीजनिंग को पहले करें या मैथ को पहले करें, है ना। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि पेपर में आप सबसे पहले हिंदी को कीजिए। किसको करोगे? हिंदी को सबसे पहले आप करो, हिंदी को, हिंदी आप सबसे पहले करोगे। अगर आप पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहा है, तो उस पर समय आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपका पेपर है, समझ रहे हो मेरी बात को, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आती है, जो ओएमआर सीट होती है ना, उसके गोले भरने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गोले बिल्कुल सटीक भरने हैं आपको। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर आप ऐसे करके गोला लगा दो, मतलब कि ओएमआर सीट पर नहीं, गोला किस पे लगाना है आपको, जो पेपर आपको मिला है उसके ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, मैं मानती हूं आपने सोच लिया है कि मेरे पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं बाद में करूंगा, तो आप बाद में कर लेना, लेकिन ओएमआर सीट आप हिंदी कर चुके, तो हिंदी करने के बाद ही तुरंत आप अपनी ओएमआर सीट भर लें, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पेपर में गोला लगा दें उसका। सबसे पहले आपको हिंदी करनी है, कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट वाला बन चुका है तो उसको हटाओ, कह दो भाई मैं तुझे बाद में सॉल्व करूंगा, अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझसे लड़ू, समझ रहे हो मेरी बात को। आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, उसको ना प्यार से बोलना है, भाई मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, अभी मेरा वक्त जाहिर ना कर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन से कहना कि मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आपको छोड़ने हैं, फिर इसके बाद आपको जीएस करनी है। जीएस में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, उस पर ज्यादा समय आपको लगाना ही नहीं है। मैं तो कह रही हूं कि अगर आप उसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, तो हटाओ, चल मैं नहीं करूंगा, ऐसे कह देते हैं ना, मुझे नहीं आ रहा। देखो, आप किसी भी चीज पर लगे रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है टाइम की, हमारा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो हमको अपने टाइम को नहीं जाने देना है, अगर नहीं आ रहा है, डाउट भरा हुआ है क्वेश्चन में, तुरंत हटा दो, मत करो, है ना। जैसे जीएस आपकी हो जाती है तुरंत अपने गोले भरो, समझ रहे हो मेरी बात को, गोले बहुत अच्छे तरीके से देख के भरने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले अपनी मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, जीएस करेंगे, हिंदी करेंगे, फिर बाद में गोले भरेंगे, और हाँ मानती हूँ उनपे आता सब कुछ है, और गोले भरने में मात खा जाते हैं भाई, नहीं भर पाते वो,
10-20 मिनट में सोचते हैं, आधे घंटे में सोचते हैं, मैं पूरे 150 प्रश्नों के गोले भर दूंगा, जो कि नहीं हो पाता, सिर्फ 70-80 गोले ही भर पाते हैं, तब तक उनका टाइम चला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने हिंदी के भी गोले भरे, जीएस के भी भरे, फिर इसके बाद आप उठाएं रीजनिंग को। जब आप रीजनिंग को उठाओगे तो इसमें भी समय उस प्रश्न को नहीं देना जो समय ज्यादा आपका खा रहा है। जो आ रहा है उसको करो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो। मैं सही बता रही हूं, मैंने ऐसा ही किया था, और पता है लास्ट में 10 मिनट क्या, 10 से 15 मिनट में आराम से बैठी थी, क्योंकि मैंने फालतू समय दिया ही नहीं। मैंने किसी भी सब्जेक्ट को फालतू समय नहीं दिया था। मुझे नहीं आ रहा छोड़ दिया, आ रहा है किया, और जो नहीं आ रहा उसके लिए मुझे 10-15 मिनट आराम से मिल गए थे। आ रहा है तो कर लिया, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। इसमें तुक्का नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हमको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है? और बाद में अच्छा खासा आपको 10 से 15 मिनट मिल जाते हैं, और उस टाइम में आप अच्छा सोच पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये टाइम आपका ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी लगे रहते हैं आप, लगे रहते हैं। हमको ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना, हमको लगे नहीं रहना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। रीजनिंग हिंदी हो गई, जीएस हो गई, फिर उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में मान लो 40 क्वेश्चन आप पर आ गए, तो 40 क्वेश्चनों की गोले भरो, है ना? 15 क्वेश्चन नहीं आए तो उनको छोड़ दो, कह दो कि मैं बाद में करूंगा, पहले इन 40ों के आपको गोले भरने हैं। और अगर इनमें 15 में भी आपको लग रहा है कि 10 मुझे आते हैं लेकिन काफी डाउट भरे हुए हैं, है ना, क्वेश्चन काफी डाउटफुल हैं, तो आप इनको बाद में करना, आपके पास समय बचेगा। आप मेरी ये वाली ट्रिक अपना के देखें, आप खुद कहोगे कि हाँ हमारे पास समय है। क्योंकि हम ना उलझ जाते हैं किन चीजों में, जो क्वेश्चन हमको आते नहीं है उनको करते रहते हैं, तो फिर एक उलझन पैदा हो जाती है, टाइम भी हमारा चला जाता है, इस वजह से हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। उसी तरीके से मैथ पे ध्यान दीजिए, मतलब कि मैथ को कीजिए, मैथ आप करोगे, मान लो मैथ में 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं उनके गोले भरो तुरंत, और जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, मान लो 20 क्वेश्चन आपके बच गए, आपने देखो कितना अच्छा काम किया, आपने अपनी ओएमआर सीट भर दी, जो क्वेश्चन आपको एकदम एग्जैक्ट आ रहे थे वो आपने भर दिए। आप उन बच्चों में से नहीं बने कि हाँ मैं बाद में भर लूंगा, आता तो सब कुछ है लेकिन बाद में भर लूंगा। बाद में कितने भर पाते हैं वो? 70-80, तब तक उनका चला जाता है टाइम। आपने ओएमआर सीट भर ली, और जो ये 20 क्वेश्चन है ना, अब आप अपना अच्छा खासा समय इन 20 प्रश्नों पे दे पाओगे। आई होप कि आप आज से इसी टाइम मैनेजमेंट की तरह चलोगे, ठीक है? टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना, ठीक है साथियों? आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।